गुड़ी पड़वा प्रमुखता महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन नूतन संवत्सर का आरंभ होता है तथा माँ जगदम्बा के नवरात्रि उत्सव तथा रामनवमी उत्सव का भी आरंभ होता है। इस साल शुरू होने वाले नए संवत्सर का नाम शोभन है। गुड़ी पड़वा का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों में मिलता है, जिसमें ब्रह्म पुराण भी शामिल है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें आज के दिन गुड़ी झंडा अपने दरवाजे पर फहराने का महत्व बताया गया है। गुड़ी पड़वा का ऐतिहासिक महत्व रामायण काल से भी है। इस दिन भगवान श्री राम लंका में रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में आगे 9 दिनों तक इसे रामनवमी उत्सव से भी लोग उत्साह से मनाते हैं। 17वीं शताब्दी में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान गुड़ी पड़वा को अधिक प्रमुखता मिली और ये मराठा तथा सभी हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार बन गया। शिवाजी महाराज ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए अपने महल के बाहर एक गुड़ी झंडा फहराते हुए इस अवसर को बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया। तभी से महाराष्ट्र का ये एक प्रमुख त्योहार बन गया। फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गुड़ी पड़वा के दिन नए उद्यम शुरू करने या महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये एक शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ग्रहों की स्थिति कोई भी नई शुरुआत करने के लिए और अधिक समृद्धि लाने के लिए अनुकूल होती है। आमच्या सर्व मराठी प्रेक्षकांना गुढी पाडव्याच्या व हिंदू नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तो आइए हम सब मिलकर हमारे त्योहारों को बहुत ही पवित्रता से मनाते हैं और हम भी हमारे वीडियोस के जरिए तमाम त्योहारों की रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।